师傅。तो फ्रेंड्स, हम फाइनली निकल चुके हुए हैं तो बच्चे ये सामने आगे बैठे हैं फ्रंट पे तो मस्ती कर रहे हैं। बाकी सारे आप देख सकते हो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। मेरी कज़न प्रियंका और उसकी बेटी ये बैठी हुई है। बाकी आगे मैं और बताती हूँ। पीछे उनकी सास मेरी चाची हैं बैठी हैं और ये दीदी हैं, साथ में आंटी हैं शालू भाभी, बच्चे उनके आंटी सुरेखा आंटी हैं, ये उषा जी उनके साथ के जुगु भैया, ये भी नीलू दीदी के साथ, ये सब लोग आए हुए हैं। ये दीपक भैया उस पापा उनके साथ बैठे हैं और ये कुछ लोग हमारे साथ सांबे से भी हैं, सांबे नहीं कठुआ से हैं, और पीछे बैठे हैं सारे लड़के, मस्ती कर रहे हैं अच्छी, काफ़ी ज़्यादा। नंदू, छोटू, धीरज, वासु, साहिल, सुमित, ये सारे पीछे बैठे होंगे और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय हो रहा है। तो अभी हम सब रुके हैं टिकरी वाले मंदिर में, माता कालका का मंदिर है ये, और ब्रेकफास्ट के लिए हमने रोका है यहाँ पे गाड़ियों को, तो यहीं पे सारे ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। एक्चुअली अभी ब्रेकफास्ट सबका हो चुका हुआ और मैं वापसी जाने के लिए बोल रही हूँ सबको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज का नया दिन, नई शुरुआत, नई जर्नी, मैं हूँ आपके साथ आपकी रूपाली मंदिरों के शहर जम्मू से। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ टिकरी मंदिर से। कुछ ब्लॉग छोटा सा मैंने घर से भी स्टार्ट किया था, तो आज मैं जा रही हूँ मचेल। तो जय माता दी, जय चंडी मैया, जय माँ मचेला वाली। तो अभी मेरी गाड़ियाँ, दो बसेस हैं हमारे साथ, तो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर रुके थे, अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो ये देख सकते हो आप, तो ये माता का मंदिर है टिकरी वाली माता। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम निकल गए हैं वहाँ से ब्रेकफास्ट करके और मौसम इतना अच्छा हो गया, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम हो गया। हम सोच रहे थे कि रास्ते में गर्मी मिलेगी, जब तक हम बटोत नहीं पहुँचेंगे तब तक गर्मी फील होगी, बट नहीं, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। छोटी छोटी बारिश हो रही है, बीच में तेज़ भी हो रही है, बट बहुत अच्छा है, आज बहुत मज़ा आ रहा है हमें जाने का। तो माता रानी काफ़ी अच्छी तरह हमारा स्वागत कर रही है कि हम उनके पास उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और सब इंजॉय करते हुए जा रहे हैं माता के भजन के साथ। तो यहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हो आप कैसी हालत में ट्रक पड़ा हुआ है, तो पता नहीं अब कब हुआ है, कैसे हुआ है, बट नज़र आ रहा है सामने ट्रक गिरा हुआ। तो फाइनली हम बटोत में पहुँच गए हैं, आप सामने बोर्ड पे देख सकते हो, वहाँ पे किश्तवाड़, डोडा, माता मचेल का सबका दिखा दिया हुआ है कि इस तरफ से आप जाओगे तो उस रूट पर पहुँचोगे। तो यहाँ से हम एंटर होंगे अपना असर बगर की तरफ, मीन्स किश्तवाड़ डोडा अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मिंदल जाते हुए भी मैंने आपको ये रोड दिखाया था, ये ब्यूटी दिखाई थी, आज फिर से थोड़े से क्लिप आपको दिखा रही हूँ, आप इस क्लिप को एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें जाने में क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, ठंडा मौसम है, छोटी छोटी बीच में बारिश भी हो रही है, बट इस तरफ अभी नहीं है, बट मौसम अच्छा है।
जब मैं जून में आई थी तब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगी थी और कंस्ट्रक्शन अभी भी लगी हुई है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि टनल्स काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। देखिए ब्यूटी वैसी ही है बट आई व्यू काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। फ़ोन व्यू आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय माता दी सबको। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए। जितना शेयर करोगे इतना मुझे सपोर्ट करोगे, तो सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और हम डोडा को क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके होंगे प्रेम नगर में, और प्रेम नगर में यहाँ पे लगा होता है लंगर। तो फाइनली हम तो रुकेंगे नहीं वैसे इस लंगर में, हम आगे कहीं जाएंगे क्योंकि हम पीछे से ब्रेकफास्ट करके आ चुके होंगे, तो आगे जाके देखते हैं किसी और लंगर में अगर रुकना है तो हम आगे कहीं रोकते ही हैं। अभी यहाँ पे तो सब मना कर रहे हैं कि नहीं रुकना है, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम जल्दी से जल्दी किश्तवाड़ का वो नाका क्रॉस करें जो 4 बजे के बाद हमें क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम उसको क्रॉस करके आगे निकलें। तो हमने ब्रेक लगाई है अभी लंगर में, और ये है किश्तवाड़ का लंगर। तो इस किश्तवाड़ के लंगर मतलब यहाँ से किश्तवाड़ जो है वो हार्डली 20 मिनट का रास्ता है, तो इसलिए अभी बने टाइम हो रहा है 2:45 का, तो हमारे पास 1.25 घंटा है। तो सबको लंच के लिए यहाँ पे ब्रेक लगवाया मैंने कि सब अपना लंच वगैरह कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्रॉस कर लेंगे चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद हमें इतना इशू नहीं है। तो किश्तवाड़ मार्केट हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये है सारी किश्तवाड़ मार्केट। तो क्रॉस करने के बाद ही आता है वो चेक पॉइंट जहाँ पे 4 बजे के बाद नहीं छोड़ा जाता, तो इसलिए हमारी कोशिश यही हो रही है जल्दी जल्दी हम। और थोड़ी देर के लिए आई हूँ मैं अपनी दूसरी बस में, यहाँ के मेंबर्स बोल रहे थे आप हमारे पास नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इस बस में आई हूँ। और यहाँ ये सारे जो हैं वो ये सेकेंड बस के मेम्बर्स हैं हमारे। तो ये रहा व्यू, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी तेज़ चल रही है, तेज़ मीन्स थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो मैं दूर दूर से ही आपको मेंबर्स दिखा रही हूँ। जाऊँगी जा रही हूँ बीच में दिखाऊँगी, पर स्लो स्लो। एक्चुअली इस गाड़ी में आने का रीज़न यही था क्योंकि गाड़ी वाले मुझे बोल रहे थे जो ड्राइवर है वो काफ़ी गंदी गाड़ी चला रहा है, और इसी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ कि उसको यही बोलने के लिए कि गाड़ी थोड़े ढंग से चला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो टर्न पे काफ़ी स्पीड पे टर्न कर रहा था, तो जिसके कारण गिरने का डर रह रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मेम्बर्स भी दिखा रही हूँ आपको अपने। और आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पे जो चनाव पीछे से आ रहा है उसमें कितना ज़्यादा फ्लो है, इतनी तेज़ी से पानी चल रहा है कि इसमें शायद ही कोई हाथ भी लगाएगा तो उसका हाथ भी चला जाए साथ में, इतना तेज़ पानी आ रहा है, देखने में ही डरावना लग रहा है। और आप देख सकते हो सामने कि कितना फास्ट, आई थिंक ऊपर बारिश हुई होगी या क्या है, उसी वजह से इतना ज़्यादा फ्लो में पानी है, और पानी थोड़ा गंदा है, मिट्टी वाला पानी है, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी लग रहा है वैसे ही। और ये वाला व्यू आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, जो मचेल की वीडियोस आती हैं तो ये वाला व्यू ज़रूर। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे खाना भी खा लिया, कुछ ने सिर्फ चाय पी है, और हमने चाय वगैरह पी के डांस वगैरह भी कर लिया। आप गाड़ियों में बैठ रहे हैं, ये दोनों बसेस ग्रीन कलर की हमारी ही लगी हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। एक्चुअली ये है रठौली, रठौली गांव है, रठौली ग्राउंड को क्रॉस करते ये है मेरी बस, जहाँ पर लिखा हुआ शुभ यात्रा 9वीं कृष्णा नगर जम्मू। तो सारे गाड़ियों में बैठ रहे हैं और फाइनली हम निकल गए अपने गुलाबगढ़ की तरफ। आज हम स्टे करेंगे गुलाबगढ़ में।
तो हम पहुंच गए हैं गुलाबगढ़। रूम्स मैंने पहले से बुक करवा रखे हुए थे, तो हम जा रहे हैं सब रूम की तरफ ही, और बाकी सब पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ मेरे आगे चल रहे हैं, कुछ मेरे पीछे चल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अपने रूम वाली साइड में। तो मैं हूँ, मेरे साथ सुरेखा आंटी है, और पीछे मेरी कज़न्स वगैरह आ रही हैं और आंटियाँ आ रही हैं, अमृतसर वाली आंटी। तो हम सब इकट्ठे आगे की तरफ जा रहे हैं रूम की तरफ। एक्चुअली आज चल के इतना इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ पे मेन गेट है वहाँ से आगे बसेस को नहीं आने दिया जा रहा है, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं।